हर एक गली में 100 मीटर तक एक कैमरा है तो अगर कुछ हो जाता ना, आसान से पता चल जाता। केजरीवाल जी ने दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गली गली, मगर काम भी करते हैं। काम सारे काम करते हैं। अगर बाय द वे कभी भी कोई कंप्लेंट होती है, उसी समय आके ठीक कर देते हैं। विपक्ष कहता है कि केजरीवाल जी सिर्फ प्रचार मंत्री हैं, प्रचार करते हैं, काम कुछ नहीं करते। देखो जी, बोलने वाले तो बोलते रहते, कोई अच्छा करेगा तो लोग बाग इतना, माँ बाप इतना कर देते हैं, लोग बाप माँ बाप को बोलते हैं कि माँ बाप ने मेरे लिए करा क्या है। ये जो कैमरे लगे हैं, कैमरे की जो सब्सिडी है, वो सब्सिडी उनके अकाउंट में हर महीने आ रही है। कोई क्राइम होता है, लोग कंप्लेंट करते हैं तो पुलिस वाले आते हैं, उनके पास सारे इनका पासवर्ड है ये। और दूसरे ये है कि हेल्प अगर लेना चाहे, जिसके घर पे ये कैमरा लगा है उसके यहाँ से पूरी इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाती है। यहाँ पे एक कैमरा तो नहीं लगा हुआ, हर ये 100 मीटर के आसपास कैमरे लगे हुए हर जगह, तो जहाँ से एंट्री करेगा, जहाँ से चोरी होगी तो उसकी पूरी फुटेज आ जाती है। कैमरे पूरे चालू, कभी भी आके स्कैम को आप चेक कर सकते हो, चालू कौन चालू होते हैं। इसमें पुलिस वाले चौकी इंचार्ज हैं, एसएचओ साहब के पास नंबर है, और कभी हमारे विधायक जी के पास भी इनके वो नंबर होते हैं, पूरी वीडियो रील आपकी निकल जाती है। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, ये काम भी करते हैं, बंद ही रहते हैं? काम तो करते हैं। देखा काम करते हो? मैंने करवाया। आदमी का काम बोलता है, ठीक है, प्रचार मंत्री नहीं है। जो सरकार काम कर रही है, जो जमीनी स्तर पे है ना, आप जो जमीन ग्राउंड रिपोर्ट लोगे ना, ग्राउंड रिपोर्ट में आपको पता लगेगा काम क्या क्या हुए हैं, क्या क्या नहीं हुए हैं। जो सुविधाएं हमें मिलती है ना, जैसे मोहल्ला क्लिनिक हो गया, वहां से हमारे को सुविधाएं मिलती है, बिजली का हो गया, वहां से हमारे को सुविधा मिलती है। अब ये दिल्ली सरकार ने जो कैमरे लगाए हैं, इसको दिल्ली पुलिस को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। पहले दिल्ली पुलिस इस पर कोई इतना फोकस नहीं देती थी, लेकिन मैंने अब देखा कुछ लोग जो है ना रघुवीर नगर साइड में कैमरे को ना तोड़ रहे थे, लेकिन पुलिस वाले ने उनको पकड़ के, तूने सरकारी संपत्ति तोड़े, ये तो हमारे लिए बहुत बेनिफिट है, लेकिन उन्होंने उनके ऊपर कार्रवाई की, क्योंकि इससे सरकार को, दिल्ली पुलिस को क्राइम रोकने में बहुत मदद मिली है। दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाए अरविंद केजरीवाल ने, प्रचार किया या लगवाया, काम भी करते हैं? वहाँ काम हुआ, यहाँ पे रघुवीर नगर में एक मर्डर हुआ था, वो कैमरे के थ्रू पकड़े गए लड़के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ इंडिया के प्रोग्राम दिल्ली मॉडल में। जी हाँ दोस्तों, अरविंद केजरीवाल का दिल्ली मॉडल, और आंध्र प्रदेश से हमारे दोस्त आए हुए हैं दिल्ली मॉडल को देखने के लिए। एक बात कही जाती दिल्ली मॉडल के लिए, ये सीसीटीवी कैमरे क्या है आंध्रा में? नहीं तो नहीं है, गली गली में नहीं है ऐसा। ये केजरीवाल जी का दिल्ली मॉडल है। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, केजरीवाल जी ने दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गली गली, मगर काम भी करते हैं? काम सारे काम करते हैं। अगर बाय द वे कभी भी कोई कंप्लेंट होती है, उसी समय आके ठीक कर देते हैं ये, अगर कोई हो तो। इनकेस वैसे तो पूरे कैमरे काम कर रहे हैं। लॉग इन आईडी पासवर्ड किसके पर है? फुटेज देखने का देखोगे कैसे? पासवर्ड ऐसा जी कि जिसके घर में लगा हुआ है उसको, उसके मोबाइल पे इसको किया हुआ है, और यहाँ की लोकल पुलिस जो है उनके पास भी है। कभी अगर कोई क्राइम होता है, लोग कंप्लेंट करते हैं तो पुलिस वाले आते हैं, उनके पास सारे इनका पासवर्ड है ये। और दूसरे ये है कि हेल्प अगर लेना चाहे, जिसके घर पे ये कैमरा लगा है उसके यहाँ से पूरी इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाती है। तो मतलब उसका तो बिजली का बिल बढ़ जाएगा? बिजली का बिल की इनको सब्सिडी मिल रही है। ये जो कैमरे लगे हैं, कैमरे की जो सब्सिडी है, वो सब्सिडी उनके अकाउंट में हर महीने आ रही है। आपको पता है सर इसके बारे में, नॉलेज है लगते कुछ? नॉलेज तो ये है कि जैसे अब कोई भी चोरी चकारी होती है, यहाँ पर आए दिन चोरी चकारी हो जाती है, तो इससे कैमरे का ये बेनिफिट होता है। चोरों को डर लगता है इससे? चोरों को क्यों नहीं डर लगता, यहाँ पे एक कैमरा तो नहीं लगा हुआ, हर ये 100 मीटर के आसपास कैमरे लगे हुए हर जगह, तो जहाँ से एंट्री करेगा, जहाँ से चोरी होगी तो उसकी पूरी फुटेज आ जाती है। वही टाइम टू टाइम पूरा टाइम चलता है, पूरी लाइसेंस भी चलने में भी। अगर वही बात हमारे बड़े भाई साहब ने कही है कि अगर इसमें कोई भी वारदात होती है, पूरी लोकेशन बिल्कुल साफ है, वीडियो ये नहीं है कैमरा बंद पड़ा है आपको मिलेगा नहीं, कैमरे पूरे चालू, कभी भी आके स्कैम को आप चेक कर सकते हो, चालू कौन चालू होते हैं। इसमें पुलिस वाले चौकी इंचार्ज हैं, एसएचओ साहब के पास नंबर है, और कभी हमारे विधायक जी के पास भी इनके वो नंबर होते हैं, पूरी वीडियो रील आपकी निकल जाती है। भैया आपका नाम क्या है? सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, ये काम भी करते हैं, बंद ही रहते हैं? काम तो करते हैं। देखा काम करते हो? मैंने करवाया, उनसे पता लगवाया, वो कोई कुत्ता फेंक गया बारीक में।
मैंने फोन फेंक गया भाई, तो उन्होंने बताया कि भाई पता नहीं उसके पास भी इनकी रिकॉर्डिंग निकलवा ली थी। तो काम क्या करते? मैं एमसीडी में, एमसीडी में, एमसीडी तो बीजेपी की है, केजरीवाल के कैमरे का क्या मतलब? मैं तो सफाई करने वाला हूँ, मैं तो किसी की पार्टी से जुड़ना हूँ। अच्छा, मैं किसी पार्टी से जुड़ना हूँ तो कुछ ऐसा एक बात तो केजरीवाल ने काम किया 5-6 सालों में, कुछ क्यों बर्बाद है तुम्हें? हम तो कभी कर रहे काम, क्यों नहीं कर रहे? कुछ काम मैं नहीं कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कुछ काम ही नहीं किया, सिर्फ बेकार की बातें कर रहा है, काम बातें बातें काम हुआ नहीं। प्रचार मंत्री कहते हैं उसको। नहीं नहीं, काम तो कराइए। प्रचार किया, काम किया? नहीं काम किया, प्रचार भी करा होगा और काम तो कराइए। केजरीवाल को प्रचार मंत्री कहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सर आप बताओ, केजरीवाल को प्रचार मंत्री कहते हैं ना? प्रचार मंत्री नहीं कहते, उन्होंने काम किया। प्रचार जब हो जाए उनका काम दिखता है तब पब्लिक बोलती है कि उनके काम दिखता है, और कुछ नहीं है। काम बिल्कुल सबके सामने है, ये तो यानी कि काम नहीं है। आंख नीचे अब जो मर्जी झूठा बोलते रहे, झूठ बोलते रहे, बोलते रहे, उनसे क्या फर्क पड़ता है? उनके जैसे एक डायलॉग आ जाते, हाथी चलता रहे कुत्ते भोंकते रहे, तो वही हिसाब है। तो हमारे श्याम सुंदर जी, आपने देखा? हाँ देखा। क्या बस सुना भी है, मुझे समझ में आया। काम तो बढ़िया चल रहा है यहाँ, लोगों की सभी चीज़ों में। ये देखिए, ये सीसी कैमरा लगा है, हर 100 मीटर तक एक एक कैमरा बोल के कह रहा है। हर एक गली में 100 मीटर तक एक कैमरा है, तो अगर कुछ हो जाता ना, आसान से पता चल जाता क्या हुआ, किसने किया, कैसा भाग गया बोल के, और चोरी से और कुछ भी क्राइम से पकड़ना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये हमारे पास नहीं है, ये खुद लगाते हैं घर में, गवर्नमेंट नहीं सेटअप करने कर रहा। केजरीवाल को दिल्ली का प्रचार मंत्री कहते हैं, काम मंत्री नहीं कहते, प्रचार मंत्री कहते हैं। कुछ काम भी किया या प्रचार ही किया? सर ये तो आदमी का काम बोलता है, ठीक है, प्रचार मंत्री नहीं है। जो सरकार काम कर रही है, जो जमीनी स्तर पे है ना, आप जो जमीन ग्राउंड रिपोर्ट लोगे ना, ग्राउंड रिपोर्ट में आपको पता लगेगा काम क्या क्या हुए हैं, क्या क्या नहीं हुए हैं। जो सुविधाएं हमें मिलती है ना, जैसे मोहल्ला क्लिनिक हो गया, वहाँ से हमारे को सुविधाएं मिलती है। बिजली का हो गया, वहाँ से हमारे को सुविधाएं मिलती है। अब ये दिल्ली सरकार ने जो कैमरे लगाए हैं, इसको दिल्ली पुलिस को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। अब पहले दिल्ली पुलिस इस पर कोई इतना फोकस नहीं देती थी, लेकिन मैंने अब देखा कुछ लोग जो है ना रघुवी नगर साइड में कैमरे को ना तोड़ रहे थे, लेकिन पुलिस वाले ने उनको पकड़ के, तूने सरकारी संपत्ति तोड़े, ये तो हमारे लिए बहुत बेनिफिट है, लेकिन उन्होंने उनके ऊपर कार्रवाई की, क्योंकि इससे सरकार को, दिल्ली पुलिस को क्राइम रोकने में बहुत मदद मिली है। एक बात में ये कहना, आपका नाम क्या है? जी संजीव नाम है जी। भाई बाप बताओ, दिल्ली में एक लोग केजरीवाल जी को कहते हैं प्रचार मंत्री, प्रचार ही किया कोई काम भी किया केजरीवाल ने? करा है जी, काम भी करा है, ऐसी बात नहीं है। क्या काम किया? कुछ नहीं है, काम तो ये सारे करे हुए हैं। बिजली वगैरह जी फ्री कर रखी है इन्होंने, पानी वगैरह कोई बिल। सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, चलते भी हैं ये? अब ये तो मुझे पता नहीं जी, ध्यान नहीं दिया इन चीजों का, लेकिन कहते हैं भाई हमने कैमरे वगैरह लगाए हैं, हमने लाखों कैमरे लगाए हैं। कह रहे प्रचार में सुना होगा? हाँ प्रचार में ही, प्रचार मंत्री है। नहीं काम तो सर ऐसी बात नहीं है, करा है इन लोगों ने, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर सारा सड़कें वड़कें सब बनवाई है, इधर यहाँ पर हम रह रहे हैं, काम तो करा, ऐसी बात नहीं है। आपका नाम क्या है? अगर एक बात बताओ, दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाए अरविंद केजरीवाल ने, प्रचार किया या लगवाया, काम भी करते हैं? लगवाया, काम हुआ। यहाँ पे रघुवी नगर में एक मर्डर हुआ था, वो कैमरे के थ्रू पकड़े गए लड़के। विपक्ष कहता है कि केजरीवाल जी सिर्फ प्रचार मंत्री है, प्रचार करते हैं, काम कुछ नहीं करते। देखो जी, बोलने वाले तो बोलते रहते हैं, कोई अच्छा करेगा तो लोग बाग इतना, माँ बाप इतना कर देते हैं, लोग बाप माँ बाप को बोलते हैं कि माँ बाप ने मेरे लिए करा क्या है। केजरीवाल की तुलना माँ बाप से? नहीं, बात बता रहा हूँ मैं, तुलना नहीं कर रहा। काम करा है, जहाँ काम करना वहाँ करा, जहाँ नहीं करना वहाँ करा, वैसे तो ज्यादा करा ही है यहाँ पे। अच्छा, केजरीवाल को नंबर देने हो 10 में से कितने नंबर दोगे? नंबर तो हमारे अजय सर देंगे। एक मैं दिखाना चाहता हूँ, एक कैमरे में, एक दिखाओ कैमरा, एक दो और आगे, एक कैमरे ये दिखाओ, दूसरे कैमरे में दिखाते हैं हम कितने कैमरे लगे हैं। अब ये कैमरा वहां से देखा आपने, 25 के दमाद में ये कैमरे लगे हुए हैं, मुझे ये लगाओ, गली के अंदर भी कैमरे लगे हुए हैं।
हाँ जी भाई साहब आप बताइए, केजरीवाल जी काम के मंत्री है प्रचार मंत्री है? भाई काम भी है और दोनों प्रचार मंत्री है। जो सीट पे बैठा है उसके बारे में क्या कहें, उसको देखना चाहिए ना देश के प्रति। अब यहाँ की समस्या क्या है लोगों की, ए ब्लॉक चले जाओ, घरों के सीवर इतने भरे पड़े हैं, बी ब्लॉक ए ब्लॉक डी ब्लॉक, कोई समस्या का हल नहीं है। और रही कैमरे की, कुछ गलियों में कैमरे लग रहे हैं और कुछों ने अपने घरों के पास ही कैमरे लगवा रखे हैं, घर के मुंह की तरफ करके, गलियों में कैमरे ही नहीं है, ये हाल है। केजरीवाल जी को प्रचार मंत्री का तमगा दे देना चाहिए। नहीं इतना तो नहीं, खैर काम कर रहे हैं मगर प्रचार मंत्री नहीं कह सकते उनको। हमारा देश का सीएम है दिल्ली का, तो हम तो नहीं कह सकते कि वो प्रचार मंत्री है। काम कर रहे हैं।